as she puts her hand in mine. Hello, good morning, दोस्तों. Welcome back to my new blog. कैसे हैं आप सभी? I hope सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे. और ये वीडियो मेरा है. मैं हर बार यही बोल रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियो तभी से ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से. और मैं डालती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो मैं एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल बंद कर देती. ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब डालती रहती हूँ थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है ना, तो मुझे एक वो वहाँ से कनेक्टेड फील रहता है ना, तो अच्छा लगता है. तो यहाँ जिस दिन मैं आई थी, ये उसके दूसरे दिन का वीडियो है जब मैंने अपने स्वेटर वगैरह निकाले थे. और मैंने ना अपने स्वेटर एक बैग में रखे थे, लेकिन यहाँ कोई सामान वामान निकलता है ना, तो सारे यहाँ वहाँ चले गए. और इन पैकेट में ना मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ मंगाया था. वैसे आप लोगों को देख रहा होगा, ये मम्मी नहीं बोल रही थी, लेकिन मेरा ही मन कर रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया था. लेकिन जब मैं गांव में थी तब मैंने ये ऑर्डर किया था. और उसके दूसरे दिन बाद ही मैं महोबा आ गई, तो फिर मैंने कहा कि वहाँ से एड्रेस चेंज कर दिया, महोबा का डाल दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे एग्जाम दे के 10 दिन बाद गाँव वापस ही लौटना है ना. तो वजह से ये पार्सल मैंने यहाँ महोबा मंगा लिए थे, लेकिन मैं तो एग्जाम देने के बाद सीधे मौसी के यहाँ निकल गई, तब से ये रखी है. मैं इनको खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है. ऑनलाइन देखो चीज़ें ऐसी ही निकलती हैं, कभी बहुत अच्छी निकल जाती हैं, कभी बहुत ठीक ठाक ही निकलती हैं. तो मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अभी क्या है कि आज रात में विवेक निकलेगा ना, तो ये मैं उसके बैग में रख दूँगी तो जैसी भी होगी, और मम्मी खोल के देख लेंगे. हाँ, हम नहीं जाएंगे. ये वीडियो भी तभी का है जब विवेक जा रहा था. वो तो आज से 3 दिन पहले ही जा चुका है, लेकिन उसके जाने के बाद ना मेरे पेपर 3 दिन लगातार थे. 3 पेपर में ना एक भी गैप नहीं था. वैसे अब 2 हफ्ते में 2 पेपर हैं और इन पेपरों में बिल्कुल भी गैप नहीं था. तो मैंने पहले अपने पेपर पे फोकस किया. और यहाँ पर जब वो जा रहा था तो मैंने उसके कपड़े अपने सारे रखे. मैंने क्या कि उसे तो होश नहीं रहता अपने सामान का. ऐसे ही वहाँ पर भी सो रहा था बिंदास, और से भी जाना है ये टेंशन नहीं थी. और यहाँ पर भी तो मैंने कि जो कपड़े वपड़े निकाले होंगे वो सारे रख दो, बॉटल वोटल भर दूँ. रात में जाने की तैयारी थी, लेकिन फिर रात में गया नहीं तो सुबह गया था. ठीक है, तू निकल जाना आराम से. कितने बजे तक निकलेगा? 12 अभी कितना? अभी तो 9:30 है, आराम कर ले 1.5 घंटा, फिर उसके बाद निकल जाना. ठीक है, सामान कपड़े वपड़े सारे मैंने रख दिए. ठीक है, तो विवेक की हो चुकी है सारी तैयारी. मैंने सारा सामान वामान पैक करके रख दिया है, ये निकल रहा है. और कल आए थे हम लोग महोबा, नहीं 2 दिन रुका है महोबा में, 2 दिन मौसी के यहाँ, 2 दिन यहाँ. और वैसे यहाँ अभी हफ्ते खाट रुक जाता, लेकिन क्या है कि इसे कॉलेज जाना है, कुछ उसका काम है, क्योंकि उसके भी अब एग्जाम आने वाले हैं ना, तो वहाँ भी कुछ देखना होगा, इसलिए 30 तारीख तक पहुंचना है कुछ. वीडियो मेरा दूसरे दिन का है. जब मैं एग्जाम दे के आई थी, थोड़ा देर रेस्ट कर रही थी, और शिवानसी मेरे टी शर्ट के पीछे पड़ी हुई थी. बहुत पसंद आई है. हाँ, जब से मैंने ये पहनी है टी शर्ट, इसको कैट इतनी ज़्यादा पसंद आई है, ये वाइट कलर की. बार बार किसी को आके नोच के चली जाती है, कहीं उसे किसी दे के चली जाती है. ये देखो अच्छी लग रही है. ऐसे काट के कैची को टी शर्ट को खराब कर देंगे अपनी नई टी शर्ट को. है इसको ऐसे कैची से काट काट के काट काट के तुम्हें निकाल के दे देंगे तुम. और ये वीडियो मेरा फिर दूसरे दिन का है. आप लोग आज कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये पूरे 1 हफ्ते का वीडियो है, जो कि मैं बीच में थोड़ा बहुत जैसे 5-10 मिनट का टाइम मिला, मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं अपना ले लेती थी 1-2 क्लिप, वही सारी आज इकट्ठा होके आई है जब मैं पेपर देने जा रही थी. ये मेरा दूसरा वाला पेपर था जिसके लिए मैं जा रही हूँ, तो मामा जी मुझे छोड़ के आते हैं. 11:30 से मेरा पेपर स्टार्ट होता है, मैं 11 बजे ही घर से निकल जाती हूँ ताकि मैं 20 मिनट पहले आराम से पहुँच जाऊँ. जगह की सर्दी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ की सर्दी कम नहीं होने वाली है. जब मैं आई थी ना तब भी ऐसे ही कोहरा हो रहा था. देखो अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन कोहरा एकदम पूरा, मतलब कि रास्ते नहीं दिख रहे हैं. देखो आपको आगे घर भी नहीं दिख रहे होंगे, हल्के हल्के दिख रहे हैं. ऐसे ही मौसम हो गया है. और अभी जब मैं आई थी ना तब भी ऐसे ही मौसम था, लेकिन बीच में 2-3 दिन खुल गया था, मतलब कि धूप निकलने लगी थी, कोहरा नहीं हो रहा था. और आज फिर से हो गया, वापस लौट लौट के सर्दी आ रही है. ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है, वापस लौट लौट के आ रही है. ये देखो
सुबह उठी थी मैं पढ़ने के लिए, तब ये कोहरा नहीं था, अभी आया है 7 बजे के बाद, 7:30 के टाइम से। देखो कैसे, और हवा भी चल रही है, कल रात में हवा भी बहुत चल रही है। बेवकूफ को देखा, गर्मियों की तरीके सुबह छत में घूमने आ गई, कोई देख रहा होगा, कह रहा होगा पागल है पूरे से, इतनी सर्दी में सब लोग अंदर बैठे। मैं ना ड्रेस व्रेस करने आई थी ऊपर वाले वॉशरूम में, बहुत सर्दी है। देखो मैं डबल डबल स्वेटर पहनी हूँ। यहाँ से फिर से एक अगली मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है, तो मैं अभी बस ऊपर से ब्रश रस करके आई हूँ, क्योंकि स्टडी के लिए काफ़ी टाइम पहले जग गई थी, लेकिन सर्दी में हिम्मत नहीं होती है जल्दी फेस धुलने के लिए, तो बस उसके बाद मैं ऊपर गई ब्रश रस करके, नहा के अभी आई हूँ, चाय पी के अब सीधे निकल रही हूँ एग्जाम के लिए। सुबह सर्दी में उठना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, टाइम निकल जाता है सर्दी में, और आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए स्टॉल दिया, क्योंकि बाइक में इतनी तेज हवा लगती है ना, कान और नाक ऐसे हो जाते हैं एकदम रेड, ऐसा लगता है कि कलर लगाया हुआ है। और ये वाला वीडियो है मेरा, मामी ने जब गणेश चौथ की पूजा की थी उस दिन का, मैं थोड़ा बहुत सा शूट किया था। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं इतने बार एग्जाम देने गई हूँ लेकिन मैंने अपनी ये ड्रेस नहीं पहनी है, ये मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं पहनी है कॉलेज वाली। लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसा इशू होता नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में ही जाओ, वो ट्वेल्थ तक के बच्चों की तरह कि आपके पास आईडी कार्ड हो और शूज टाई बेल्ट सब फिक्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम देना, तो ड्रेस को लेकर कोई बड़ा इशू नहीं होता। हाँ, क्लास अटेंड करनी होती है तो तब टीचर बोलती हैं। मामी रहती थी लेकिन इस बार नहीं रही है, पहले मैं भी बहुत रहती थी, छोटे में शौक रहता था, लेकिन अब मैं कई साल से मैं रही नहीं हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है, जब चाय नाश्ता हो जाता है तब पता चलता है बाद में। नहीं मामी इतनी जल्दी बदल आई आप साड़ी फटाफट, सही है टाइट हो जाता है फिर साड़ी की वजह से, नहीं सही है हमेशा सारे काम हो जाते हैं लेकिन खाने वाला काम बात के लिए रह जाता है कि रिलैक्स होके करेंगे ना। चलो ठीक है मैं भी खा लेता हूँ। यहाँ पर चल रही है नानी जी की रामायण, ये पुरानी वाली रामायण है जो अभी तक हम लोग चाहे जितनी सारी रामायण आज है लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सीरीज अगर अभी आ रही होती है ना टीवी में तो देखने में मन लग जाता है। नानी देख रही थी, मैं भी उनके साथ थोड़ी देर बैठ गई, फिर नानी ने टोका कि जाओ तुम पढ़ो जाके। कल या परसों मैंने एक ऐसा कमेंट पढ़ा था अपने उसमें कि आप मौसी के यहाँ जब रहती थी तब वीडियो नहीं बनाती थी, मौसी आपको बनाने नहीं देती थी, ऐसा नहीं है। आप प्लीज़ मौसी के मैं ऐसे कमेंट मत करिए ना मेरे में, मौसी मुझे खुद से आके बोलती थी, वो तो कई तरह के मुझे एडवाइस भी देती थी, लेकिन क्या है कि वहाँ पर वो काम नहीं करने देती थी, और जब काम नहीं करती थी तो वीडियो में दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता था। देखो कुछ कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ का रूटीन होता है तब हम वीडियो बनाते हैं, अब आकर वो बोलती थी पढ़ाई करो अपना कोई अपना वैसा देखो जिसमें कुछ सीखना हो, तो मैं अब मैं बताइए पढ़ाई का वीडियो बनाती रहती तो वो आप लोगों को ही नहीं अच्छा लगता, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाती थी, उसमें मौसी कुछ नहीं कहती थी। ये हम तीनों भाई बहन की पिक्चर हैं जो काफ़ी आया, इनको तो मैं काफ़ी मिस करती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। और इसी के साथ करूँगी अपने ये वाला वीडियो एंड, आज का वीडियो मेरा ऐसा ही है, मैंने कहीं से भी स्टार्ट कहीं से भी जोड़ दिया है। आप अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे मिलते रहे, तब तक लिए बाय बाय, मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ।